हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा एक बैकलिंक्स के बारे में। बैकलिंक्स वाला वेबसाइट, आप इस वेबसाइट से अनलिमिटेड बैकलिंक ले सकते हो और इस वेबसाइट में मिलियंस की ऊपर ट्रैफिक आता है। इसके DAP आप देखोगे तो, और 11 साल पुराना वेबसाइट है इसका, 93 का DA है और 85 आसपास का तुम्हारा PA है और 11 साल पुराना है। इस वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिल जाए, और एक नहीं है बहुत सारे बैकलिंक ले सकते हो, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एक दो करके बैकलिंक ले सकते हो। तो सारी चीज़ कैसे होगा बताने से पहले हमेशा तरफ मैं बोलता हूँ, मेरे चैनल में जो नया है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्यों आपके लिए मैं नया नया वीडियो लेके आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसका ट्रैफिक चेक करा देता हूँ। ये है blogglobin.com। इसका ट्रैफिक है वेब सिग्नल में ये 3.15 मिलियंस ट्रैफिक है, ठीक है। और इसका ट्रैफिक आता है यूनाइटेड स्टेट है 38%, नेदरलैंड, स्पेन, इतना सेटसेट बोर्ड आता है। और इसको DAP में चेक करा देता हूँ। इसका DA है 93 और PA 74। स्पैम इसको थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। और ये 11 साल पुराना वेबसाइट है, ठीक। और ये देख रहे हो इसका DAP है सब कुछ। तो इस वेबसाइट से आपको कैसे मतलब लोगे आप बैकलिंक्स, एक नहीं आप जितने मर्जी उतना ले सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद आप जैसे आओगे, आप उसको लोगो लगा देना या आपको प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सारे सेट करके लगा देना। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सही होना चाहिए। उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह वेबसाइट जो डालते हो ना, ओनली एक बैकलिंक्स नहीं लेना है आपको, बहुत सारे बैकलिंक्स लेना है यहाँ से। तो इसलिए आपको इसको जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है आपको सही से फॉर्म फिलअप करना है, जो फॉर्म फिलअप वगैरह आता है। तो ये वेबसाइट आपको जो प्रोफाइल को डिलीट नहीं करेगा, ठीक। तो चलिए चेक कैसे करते हैं। इसको न्यू पोस्ट में जाना है। न्यू पोस्ट में जाने के बाद आपको आपका जो निश है, जो आपका वेबसाइट है, उसका कोई आर्टिकल्स होगा। अगर उस पोस्ट को आपको बैकलिंक लेना है तो उस पोस्ट को बैकलिंक लेने के लिए उस वो पोस्ट का एक URL आप कॉपी करके नोटपैड पे सेव कर लीजिए। अभी आपका जो हेडलाइन है, जो ब्लॉग आर्टिकल्स का, उस हेडलाइन का आपको क्या करना है, उसी रिलेटेड एक आर्टिकल ढूंढना है आपको। अगर उसको ही डाल दोगे तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा, ट्रैफिक आना में थोड़ा मुश्किल है। अगर एक आर्टिकल बंदा दो जगह कैसे पड़ेगा, आप क्या उसी रिलेटेड आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। लिखना नहीं, आपको फाइंड करना पड़ेगा। अभी वो आर्टिकल्स मेरे को फ्री कहाँ से मिल जाएगा, मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा, उसका नाम enzymearticles.com, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको जो सर्च कस्टम ऑप्शन है ना, इसमें जाके सर्च करना है। आपको बहुत सारे फ्री आर्टिकल मिल जाएगा एकदम। आप जो भी निश, अब जो भी आपका आर्टिकल से उसी रिलेटेड हेडलाइन टाइप कर लो, उसी रिलेटेड चाहिए आपको। जैसे आप उसको URL को आप पुट कर पाओ, ठीक। तभी कैसे करना है, इसके लिए आपको और एक चीज़ पहले से करके रखना है। जैसे आपको एक उसी रिलेटेड इमेज चाहिए, जैसे आप, मैंने अभी जो लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, मैं बूस्ट इम्यून सिस्टम के बारे में लिख रहा हूँ। तो मेरे को आर्टिकल्स मिल गया, अब इमेज मैंने पिक्साबे से ले लिया, पिक्साबे की मैं लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप कोई रॉयल्टी फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, क्या करना है, यह टाइटल लिखना है। क्या टाइटल, मैं इस आर्टिकल्स का टाइटल उठा लेता हूँ, मेरे को सब ब्रैकलिंग चाहिए, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको, बैकलिंक में यहाँ का टाइटल पोस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ये से समथिंग इसमें कुछ लिखा है तो मैं इसको पूरा को कॉपी करके फॉर दोस यहाँ से लेके, मैं यहाँ से लेके पूरा हेल्थ या पर्सनल क्विकली यहाँ तक ही मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये सारे आ गया आपका आर्टिकल्स, ठीक। अभी ये इंजाइम वाला आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसके बाद नहीं। उसके बाद मेरे को या एक फ़ोटो चाहिए, जो फ़ोटो आप कंप्यूटर से ले सकते हो, या से मैंने ले लिया। पहले मैं पिक्साबे से डाउनलोड करके रखा था, तो उस फोटो को मैंने ले लिया, लोड होने देते हैं। अच्छा, तो ये फ़ोटो अपलोड हो गया, ठीक। अब इसको आप क्या करना पड़ेगा, इसको एक नहीं आप 4-5 फ़ोटो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, मैं
जो आपका वेबसाइट है, आप जो आर्टिकल लिख के रखा उसके यूआरएल को आप कॉपी करना है, जो कॉपी करके रखा था आपने कोई भी यूआरएल को जैसे कॉपी करके रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उस यूआरएल को जहाँ जहाँ उसके रिलेटेड वहाँ पेस्ट करना है, बूस्ट ईमेल सिस्टम या ना या लिंक करना है, लिंक में क्लिक करना है और HTTPS को हटा के अब आपका वेबसाइट का लिंक यहाँ डाल सकते हो। ठीक, तो यह एक बैकलिंक आपको बन गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक यह बन गया, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम यहाँ क्लिक करो, इसको फिर दोबारा लिंक डालो, उसके बाद वो कट करके फिर पेस्ट दूसरा। तो ऐसे करके आप दो चार लिंक दे सकते हो उसको। तो ये क्या होता है, जैसे लिंक डालोगे ना, जिसको इसको पोस्ट करेंगे, हम पोस्ट करके देखते हैं उसके बाद पता चलेगा। जैसे इसको मैं पोस्ट करता हूँ, मैं लगभग डाल ही दिया इसको, दो ही लिंक डाला मैं इसको, काम करता हूँ। एक हेडलाइन बना के इसको, एक और एक कहाँ डालू मैं, तो दो ही लिंक डाला मैं, देखता हूँ इसको शो करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको पोस्ट करता हूँ, और पोस्ट करने पहले से मैं एक इसको इम्यून बूस्टर बूस्ट योर IMMUNSYS इसको मैं टैग लगा देता हूँ, एक ही लगाता हूँ, उसके बाद पोस्ट करता हूँ। तो इसको होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर दिया था। उसके बाद ये पोस्ट होने में पोस्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो घूमते रहता है। आपको क्या करना है, पोस्ट करने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना है, आपको देखना है आपका न्यू पोस्ट में। तो मैंने जो बैकलिंक बनाया था, ये बैकलिंक से आप यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू पेज में जाओगे, तो आपका जो मेन वेबसाइट का आपको एक ये जो मैंने लिखा था उसको एक बैकलिंक बन जाएगा। ठीक, तो इसकी ये करके आप एक एक ब्लॉग पोस्ट का आपका जो नीच है उसी हिसाब से आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एक नहीं दो दो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उसके हिसाब से आप आर्टिकल्स फ्री में 5 मिनट में 10 मिनट में बहुत सारे बैकलिंक बना सकते हो। तो ये बैकलिंक का था, और अगर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर। मैं और बैकलिंक का और भी बहुत सारे अच्छा अच्छा वेबसाइट से लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।